हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियस रेशो। क्या तुमने सुनना है कि टट्टी करने से पैसे कमा सकते हैं? हैं मतलब तुम लोग ऐसी रिएक्शन दे रहे हो ना कि मतलब क्या पगला पगला गया है क्या? मतलब तुम पॉटी कर रहे हो तो उनसे पैसे कमा रहे हो। बट आप लोग जानना चाहोगे कि कलयुग ऐसा आ चुका है ना और टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ कैसे आपका ना। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि आप लोगों ने वीडियो टाइटल देखा होगा तो आप लोगों ने सोचा होगा ये पॉसिबल कैसे है। तो वीडियो टाइटल ये कह रहा था कि हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी एंड अर्न मनी बाय डूइंग 40 या बाय डूइंग 30 एनीथिंग, ठीक है। बट ये चीज़ हकीकत है, यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे क्या पॉसिबल हो रहा है और हो चुका है। एक एनवायरमेंट इंजीनियर प्रोफेसर था, ठीक है, उसके लाइफ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था शायद। तो एक दिन अकेला बैठा हुआ था तो उसने सोचा चलो किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं। अब उसने आविष्कार करने का सोचा तो ऐसी चीज़ के लिए आविष्कार करने का सोचा कि ऐसा कुछ काम हो जो कि हर कोई नकारा बंदा कर सके, समझ रहे हो? और ऐसे कौन सी चीज़ों को हर कोई कर सकता है? एक तो खाना खा सकता है और फिर खाना खा के कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ चलो ऐसा कुछ करते हैं कि जहाँ पे लोगों का भला भी हो जाए, यहाँ पे एनवायरनमेंट का भला भी हो जाए। तो कुछ ना कुछ उन्होंने तिगड़म बढ़ाई, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, तो ये जो महाशय हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये जो प्रोफेसर हैं, ये एनवायरनमेंट प्रोफेसर हैं, ये वहाँ के एनवायरनमेंट एंड अर्बन प्रोफेसर हैं, वहाँ के इंजीनियर भी हैं। तो उन्होंने आविष्कार किया एक टॉयलेट का। हाँ जी, एक ऐसा टॉयलेट जहाँ पे आप आइए, तशरीफ रखिए, अपना काम कीजिए और पैसे कमाइए। मंगल मूर्ति, पैसा डबल हो जाएगा ना रे? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात है एकदम, ठीक है। और इस टॉयलेट का नाम रखा है इन्होंने बीवी टॉयलेट। माना मत प्लीज, बाकी सारी बीवियों मारना मत। बीवी टॉयलेट का मतलब स्पेलिंग वाइज अगर हम देखें तो BEEVI, मतलब दो बेसिकली बी मतलब मधुमक्खी वाली बी और विजन मतलब नज़रिया, उस दोनों को मिला के वर्ड बनाया है बीवी। अब इस टॉयलेट की खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ फटाफट। आप इस टॉयलेट में बैठो, आप इसमें पॉटी करो, तो आपका जो भी वेस्ट इकट्ठा होगा ना, इस टॉयलेट में अलग अलग चैम्बर लगे हुए हैं, ठीक है। ये टॉयलेट अपने आप में एक रिएक्टर है। तो आप पॉटी करो वहाँ पे, आपकी पॉटी इकट्ठा होगी एंड उसमें कई सारे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके चैम्बर के अंदर। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है कि वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करें। ये जनरली बायोगैस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, सॉर्ट ऑफ वही कह सकते हो, यही कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं एंड ब्रेक डाउन करने से आपकी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। एंड दैट मीथेन गैस कैन बी यूज एनीवेयर, मतलब किसी भी, किसी को लाइट मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो सकता है, किसी को कुछ एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इन प्रोफेसर साहब ने बताया है कि इंसान जो है ना ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर दिन करीब आधा किलो टट्टी करता है, ठीक है। तो आधा किलो पॉटी से उसने बताया कि इतना पावर कंजम्पशन हो सकता है, कितना 0.5 किलोवाट पर आवर, मतलब इतनी बिजली इकट्ठा हो सकती है। मतलब एक गाड़ी अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो ये ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर चल सकती है आराम से, इतनी पावर मिल जाएगी आपकी पॉटी से। तो आप सोचो कि आपका एक एक योगदान इस पृथ्वी में कितना वैल्यूएबल है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ पॉटी करते हो तो आपके पास पोटेंशियल है कुछ ना कुछ करने का। देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे कमाई जाती है। तो इस टॉयलेट में क्या है ना, इस टॉयलेट में ऐसा है कि जो भी इनका टॉयलेट लेके इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो इन्होंने एक कह सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी बना दी है इस चीज से रिलेटेड। तो इस क्रिप्टो करेंसी का नाम है जी गूल करके, जी बड़ा जी फिर छोटा जी फिर OOL। तो इसमें इन्होंने सिस्टम क्या बना रखा है कि जो भी इनका टॉयलेट यूज करेगा, पॉटी करेगा, तो जैसे ही वो इकट्ठा होगा तो उतना ही सेम अमाउंट आपकी क्रिप्टो करेंसी में एज अ क्रेडिट ऐड हो जाएगा। फिर लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि लोग एक्चुअली इनका टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं इनके कॉलेज के कैंपस में, एंड वो लोग
प्रॉपरली अलग अलग शॉप्स में जा रहे हैं, अलग अलग कैफेज में जा रहे हैं, कॉफ़ी खरीद रहे हैं, अपनी स्टेशनरी खरीद रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ खरीद रहे हैं सिंपली अपना स्कैन करके, मतलब उस वो क्रिप्टो करेंसी आपके उससे अटैच्ड है कि आप कितनी पॉटी कर रहे हो, आपने जितनी पॉटी करी आपके उसमें मशीन है ऑलरेडी, वो आपके क्रिप्टो करेंसी में ऐड हो जाएगा एंड आप जाओ किसी भी दुकान में, आप वहाँ पे स्कैन करो एंड आप वो अपना आइटम या अपनी सर्विस परचेज कर सकते हो। मतलब लिटरली दिस इज हैपनिंग कि आप पॉटी करके भी आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है आप तब भी कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप अपना यू नो अपना पेट भर सकते हो एंड आप विश्वास ही करोगे ये जो टैलेंटेड काम है ये एक्चुअली साउथ कोरिया के आपके उन प्रोफेसर ने किया हुआ है। ठीक है, जो भी लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिटेल्स पढ़ने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भाई साहब क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि पहले मैं सोचता था कि पॉटी एकदम वेस्ट है, ऐसा कुछ काम वाम नहीं है, बट अब मुझे इसका पोटेंशियल दिख रहा है, इसका पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। वेल मेरे दिमाग में तो एक चीज़ आ रही है, यू नेवर नो, क्या पता इतनी सारी पॉटी इकट्ठा कर लो और उसी को रॉकेट बना के रॉकेट फ्यूल यूज करके उड़ जाओ, हो सकता है ना पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही उलझलूल इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।